छतरपुर के मेला ग्राउंड में राष्ट्रीय समानता दल के तत्वाधान में संकल्प रैली एवं विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छतरपुर के मेला ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीताराम येचुरी महासचिव एवं मोतीलाल शास्त्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समानता दल मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर महेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय समानता दल द्वारा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा वीर मुख्यमंत्री है। राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर महेश कुशवाहा के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर की अनुपस्थिति में एडीएम प्रताप सिंह चौहान को सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर संदीप आर को ही ज्ञापन देने की मांग करते हुए नारेबाजी की। आज राष्ट्रीय समानता दल पार्टी द्वारा विभिन्न समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जो जिले स्तर की जो समस्या है वो जिले स्तर समाधान किया जाएगा और जो शासन स्तर से तो शासन को भेज के निराकरण। वो काफी देर नाराज रहे कलेक्टर साहब से बात करने के लिए, कैसे माने? पहले से पता नहीं था, तो साहब रहते तो जरूर ज्ञापन लेते और बातचीत करके हमने ज्ञापन प्राप्त कर लिया। राष्ट्रीय समानता दल द्वारा किसानों की और आम जनमानस की जो मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, और छतरपुर जिले की तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं तो यहाँ के लोगों की छाती में ऐसा मानता हूँ कि इनके अंदर इतनी सहने की क्षमता है, इतनी अपार क्षमता है इनके पास, कि आज पिछली सरकार ने शिवराज सिंह ने मेडिकल कॉलेज जैसी व्यवस्था के निर्माण के लिए और 2022 में कैसी गाय की है तैसी है। मध्य प्रदेश का तो मैं नहीं, पूरे देश का भ्रमण नहीं किया हूं, लेकिन जिले छतरपुर की स्थिति बनाना चाहता हूं कि जो सरकार ने अभी गौशाला करोड़ों की लागत से बनाई है, तो आपके गौरेहार की एक भी गौशाला में एक भी गाय बंद नहीं है। आखिर ऐसा ये करोड़ों का रुपये क्यों व्यय करना चाहते हैं? मुझे तो लग रहा है कि जो बहुत समय पहले एक सन्यासी ने विधानसभा लोकसभा के सामने इंदिरा जी को श्राप दिया था।